तो आज हम बना रहे हैं मैदे की आलू भटूरे। ये देखिए, दो आलू मैश करके रखे हैं, इसको भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार हल्का नमक, तेल ऐसे बोलना। अब मोइन के लिए डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, ये 2 चम्मच हमने तेल डाला है, और ये दही है, दही से इसे हम गूथेंगे। ये देखिए, मैंने आटा गूथ लिया है। अब इसे 10 मिनट हम हल्का ऑयल ऊपर में लगा के रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, मैंने लोई बना ली है। अब इसमें हल्का हम मैदा लगा लेंगे, उसके बाद इसे बेलेंगे। देखिए, इसे अब हम बेल लेते हैं भटूरे को। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है, और ये देखिए, मैंने भटूरा बेल के रेडी किया है। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, डाल दिए हैं। अभी से अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए, ये हमारा भटूरा फूल रहा है। अब इसे हम पलटेंगे। अच्छे से देखिए, हमारा भटूरा फूल करके कितना सुंदर दिख रहा है। और साथ ही साथ बन रही है हमारी आलू की मसालेदार स्वादिष्ट सब्जी, वो भी अभी आपको दिखाएंगे भटूरे के साथ। तो ये देखिए, हमारा भटूरा कितना सुंदर फूला है। अब इसे अच्छे से सेकेंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू भटूरा बनकर रेडी है। ये है आलू की मसालेदार सब्जी, अचार और सैलेड।